सो गाइस, क्या आप भी अपने लिए एक एंट्री लेवल हैचबैक कार ढूंढ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कौन सी एंट्री लेवल हैचबैक कार चूज कर सकते हैं, और इसी वीडियो में हम आपको दो ऐसी कार बताएंगे जो इस सेगमेंट को काफी टाइम से रूल कर रही है। उनमें से एक कार तो ऐसी है जो काफी लेजेंडरी है और काफी लोगों ने उसको अपनी पहली पसंद बनाया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों कारों में से बताएंगे कि आपके लिए कौन सी बेटर हो सकती है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम विशाल सिंह रावत एंड यू आर वॉचिंग रियल कार फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस, इन दो कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की हम आपसे बात कर रहे थे, वो है मारुति सुजुकी स्विफ्ट एंड टाटा की टियागो। वैसे तो हम सब जानते हैं कि यार इन दोनों कार्स की आजकल इस हैचबैक सेगमेंट में कितनी डिमांड है, एंड लोग काफी कंफ्यूज होते हैं इन दोनों कारों में से चूज करते समय। तो आज के वीडियो में मैं आपसे यही बताऊंगा कि मुझे क्या लगता है कि मेरे हिसाब से कौन सी कार बेटर है और कौन सी कार आपको कंसिडर करनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे आपको इन कार में। तो गाइस, सीधे सीधे मैं बात करूँ, या ज्यादा लंबा वीडियो हम बनाएंगे नहीं, सीधे सीधे बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं इन दोनों के पावर फिगर्स की। तो अगर मैं बात करूँ स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट में आपको 88 bhp की पावर मिलती है जो 139 Nm का टॉर्क प्रोवाइड करती है, एंड साथ ही यह कार आपको 4 सिलेंडर इंजन के साथ आती है। तो ये कार काफी साइलेंट रहेगी, इसमें आपको काफी स्मूथ इंजन है मारुति का, जैसे आप समझाते हैं काफी रिफाइंड इंजन होते हैं मारुति के। तो वहीं बात करूं मैं टाटा टियागो की, तो टाटा टियागो आपको सेम 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है। इसमें 1.2 लीटर रेवेट्रॉन इंजन यूज किया गया है, एंड मारुति में 1.2 लीटर ड्यूल जेट इनका इंजन आता है, जो काफी इकोनॉमिकल वाइज कहते हैं काफी ज्यादा अच्छा है और काफी अच्छी इकोनॉमी निकाल के देता है। तो टाटा टियागो के पावर फिगर की मैं बात करूं, तो टाटा टियागो में आपको 84 bhp की पावर मिलती है जो 139 Nm का सेम टॉर्क टाटा टियागो भी आपको निकाल के देती है, एंड बट ये कार 3 सिलेंडर ऑप्शन के साथ आती है। तो 3 सिलेंडर मोस्टली टाटा की सारी कार 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, एंड 3 सिलेंडर में जो इश्यूज आते हैं वाइब्रेशन के, वो इश्यूज हैं, इंजन का थोड़ा सा नॉइजी है, वो मोस्टली टाटा की कई कार्स का है। तो ये एक ड्रॉबैक है। और कंपेयर करूं मैं मारुति के साथ, मारुति के इंजन के साथ, तो मारुति के इंजन के जैसा इतना स्मूथ इंजन नहीं है टाटा टियागो का, और इसमें आपको वाइब्रेशन फील होगी, इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन नहीं है जैसा आपको मारुति सुजुकी में देखने को मिलेगा। और बात की जाए कारों के डायमेंशन की, तो यार डायमेंशन वाइज भी आपको स्विफ्ट में ज़्यादा स्पेस मिलता है टाटा टियागो से। टाटा टियागो स्विफ्ट की जो विड्थ है वो टाटा टियागो से ज़्यादा है, स्विफ्ट की लेंथ भी टाटा टियागो से ज़्यादा है, और जो टाटा टियागो की हाइट है वो थोड़ी स्विफ्ट से ज़्यादा मिलती है। तो वैसे अगर देखा जाए तो स्पेस वाइज आपको स्विफ्ट में ज़्यादा स्पेस मिलता है टाटा टियागो से। तो अगर मैं सीधी सीधी बात करूं कि मुझे क्या लगता है कि कौन सी कार आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है, तो जैसा हमने बताया यार कि मारुति में आपको सारे फीचर्स मिलते हैं, सब चीज़ें मिलती हैं, अच्छा इंजन मिलता है, अच्छी रीसेल वैल्यू मिलती है, अच्छा गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस है, गाड़ी का पिकअप आपको एक्सेलरेशन ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो गाइस, वैसे तो दोनों में जो पावर फिगर्स हमने सेम बताई, बट वो एक डॉक्यूमेंटेड पावर फिगर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। अगर रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करूँ तो स्विफ्ट आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है टाटा टियागो से, बट टाटा टियागो भी ज़्यादा कम नहीं है जितनी, अगर आप स्विफ्ट को अगर आप 20 कर रहे हो तो टाटा टियागो को 19 ले सकते हो, तो इतना डिफरेंस नहीं आता परफॉर्मेंस में। बट हाँ, स्विफ्ट की परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी टाटा टियागो से, बट सिर्फ हम परफॉर्मेंस में गाड़ी बाय करते समय सिर्फ हम परफॉर्मेंस में नहीं जाएंगे, गाड़ी बाय करते समय हमें काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं जो हमें चीज़ देखनी चाहिए। एंड उस हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरे को टाटा टियागो एक बेटर ऑप्शन लगता है स्विफ्ट से, बिकॉज टाटा टियागो में आपको एक सेफ्टी फीचर जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है आजकल के टाइम में, वो आपको मिलता है, जो आपको स्विफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा। बात की जाए यार एवरेज की, तो आई नो स्विफ्ट की एवरेज थोड़ी ज़्यादा निकलेगी टाटा टियागो से, बट टाटा टियागो भी एक अच्छी माइलेज निकाल के देती है, चाहे सिटी की बात करें चाहे हाईवे की बात करें, और स्पेशली हाईवे में टाटा टियागो जितनी स्टेबल गाड़ी है उतनी आपको स्टेबिलिटी स्विफ्ट में देखने को नहीं मिलेगी। प्लस जो सेफ्टी फीचर, जो सेफ्टी फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, वो सेफ्टी फैक्टर आपको टाटा टियागो में जो देखने को मिलेगा वो स्विफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं सारे पॉइंट्स अगर हम लेके चलें और सारे पॉइंट्स में देखें, तो यार एक अच्छा जो पैकेज निकल के आता है वो टाटा टियागो निकल के आती है। बिकॉज अगर देखो यार, आप गाड़ी परचेस कर रहे हो तो आप उसको ऐसा तो है नहीं कि अब सिर्फ सिटी में चलाओगे, आपको हाईवेज में भी जाना होगा, और जब बात करी जाएगी हाईवेज की तो फिर ऑब्वियसली यार टाटा टियागो पहली पसंद आ जाएगी लोगों की, बिकॉज टाटा टियागो में जो आपको स्टेबिलिटी, जो हैंडलिंग जो मिलती है, वो आपको स्विफ्ट में नहीं मिल पाएगी। तो गाइस, पूरा अगर मैं देखूं सारे फैक्टर्स को सोचूं, तो उस सारे फैक्टर को सोचने के बाद जो कार मुझे लगता है कि
जो मैं कंसिडर करता खरीदते समय तो वो टाटा टियागो करता रदर देन स्विफ्ट। वैसे स्विफ्ट को काफी टाइम हो गया इंडियन मार्केट में और काफी गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। लोगों की पहली पसंद थी स्विफ्ट आज से कुछ टाइम पहले, बट जब से टाटा टियागो लॉन्च हुई है टाटा टियागो ने काफी अच्छा मार्केट में स्विफ्ट को कॉम्पिटिशन दिया है एंड टाटा टियागो की सेल्स फिगर भी काफी अच्छी है। तो इन गाड़ियों को लेके जो कंफ्यूजन रहती है लोगों के मन में यही रहती है कि किस कार की तरफ जाएं। तो मेरा तो मानना है यार कि जो अगर आप कोई भी कार परचेस कर रहे हो तो आप सारे फैक्टर कंसिडर करो कि हमें सारे फैक्टर्स को देखते हुए कौन सी कार हमारे को ज्यादा सूट करती है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है टाटा टियागो मेरी पसंद है अगर मैं हैचबैक सेगमेंट में इन दोनों कार्स का कंपेयर करूं तो उस केस में मेरे को टाटा टियागो मेरी पहली पसंद बनती है। अगर आपको क्या लगता है गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको किस कार में ज्यादा बेटर आपको लग रहा है, ज्यादा बेटर पैकेज आपको लग रहा है कि कौन सी कार आपके लिए हो सकती है। तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी राय भी मेरे से मिल रही है नहीं मिल रही, बट मेरे राय के अकॉर्डिंग मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग टाटा टियागो मेरे लिए एक बेस्ट पैकेज कार है। तो गाइस बहुत छोटी सी वीडियो है, लोगों का कंफ्यूजन जिस पॉइंट में रहता था मैंने उसी को कवर करने की कोशिश करी है। तो गाइस बहुत छोटी सी वीडियो है, मैंने ट्राई किया है कुछ पॉइंट कवर करने का जिससे आपको हेल्प मिल सके अगर आप इन दोनों कारों के बीच में कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपका ओपिनियन अलग हो, बट जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं अगर आप उस पॉइंट से डिसएग्री करते हो तो मुझे बता सकते हो, बट ये मेरे पॉइंट्स है गाइस, हो सकता है आपके पॉइंट्स कुछ अलग हो। तो गाइस इस वीडियो में तो इतना ही है, हम ट्राई कर रहे हैं आपके लिए और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए और जल्दी जल्द हम आपके साथ और ओनरशिप एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। आपका जो सपोर्ट इस चैनल को मिला है उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस, एंड आपका सपोर्ट मुझे इसी तरह चाहिए, एंड मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।